opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to Crick Buzz's YouTube channel and press that bell icon now. IPL में शनिवार को हो गए दो धमाके। सबसे पहले एक्शन में होंगे गुजरात टाइटंस, जो इस समय नंबर वन पोजीशन पर है, और उनके सामने है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जिनकी गाड़ी लड़खड़ा रही है। ओपनिंग बल्लेबाज चल नहीं रहे हैं, टॉप ऑर्डर बिल्कुल नहीं चल रहा है, और इस बार एक ऐसी टीम के सामने भुवन स्टेडियम पर गुजरात टाइटंस जो कोई गलती नहीं कर रही। तो हमें भी उनके खिलाफ बात करने की जरूरत नहीं है। अगर वो गलती नहीं कर रहे तो हम क्या गलती निकाले उनमें से। तो गुजरात अभी तक की टॉप टीम है। बढ़िया बात क्या लगी गुजरात की, कि वो मैच खत्म कर रहे हैं, चाहे गेंदबाजी से चाहे बल्लेबाजी से। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि क्रूशल मैच जो होते हैं ना, जो पास आ गए आप, दो गेंदों पे 12 रन चाहिए, वो दो छक्के लग गए। लास्ट मैच में राशिद खान ने 22 रन बना दिए लास्ट ओवरों में, वो जीत गए। फिर जब गेंदबाजी कर रहे थे तो 140 से 150 रन उन्होंने डिफेंड कर लिए। तो ये जो क्रूशल मैचेस है ना, वो मोमेंट जो वो उन्होंने जीते हैं, और वो जीते हैं तभी वो नंबर वन पर अभी। तो ये उन्हें कंटिन्यू रखना पड़ेगा। 7 मैच 7 जीते और 7ों मुकाबलों में उनके अलग अलग मैन ऑफ द मैच रहे हैं। स्क्वाड पर अगर नजर डाले तो ऐसा लग रहा है कि हर खिलाड़ी ने फॉर्म पाया है। एक लौता शुभमन गिल का एक टॉकिंग पॉइंट हो सकता है प्रज्ञान, क्योंकि पहले 3 मैच अच्छा खेले, उसके बाद थोड़ी सी गाड़ी उनकी डगमगाई है। क्या ये कॉज ऑफ कंसर्न है आपके हिसाब से, या फिर जो बाकी खिलाड़ी सक्सेस जिनको मिल रही है और टीम जीत रही है, तो शायद उन एक अलग जोन में होंगे कि चलिए कोई नहीं, ये सेटबैक्स में ले सकता हूँ। बिल्कुल, ये जो कंसर्न है ना, इतना बड़ा नहीं होगा, क्योंकि जब टीम जीतती है ना तो ये सारे चीज़ थोड़ा सा बैक सीट ले जाती हैं, और इतना आप ज़्यादा सोचते नहीं है, क्योंकि एक अच्छे लय में रहते हैं आप, नंबर वन टीम है। और सबसे बड़ी बात है ना, हर कोई कॉन्ट्रीब्यूट किया। आप अगर देखें, हर मैच में एक नया सितारा मिला है जो मैच जिता के दिया है उनको। तो मुझे लगता है शुभमन गिल थोड़ा सा सोच रहे होंगे, लेकिन इतना दबाव नहीं होगा, और जिस तरीके के टैलेंटेड बैट्समैन है वो, तो हम उन्हें वापसी करते हुए देखेंगे। और ओपनर भी है ना, तो उनको 20 ओवर मिलते हैं, 120 गेंदें उनके पास है, तो समय भी थोड़ा सा है, तो संभल जाएंगे। मेरे पहले क्रिक बज लाइव में मैं एक चीज सीख के गया था कि जो चल रहा है उसे बिल्कुल मत बदलो। तो लेकिन गुजरात क्योंकि इस पोजीशन में है, क्या समय है थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने का, खुद को टेस्ट करने का, या फिर रिस्क ना ले, पहले क्वालिफाई हो जाए ऑफिशियली, उसके बाद दिखी जाएगी। नहीं, जरूरत क्या है मुझे एक बताइए, जरूरत क्या है कि आप जितने ज्यादा मैचेस जीते उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतने अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, और नंबर 1 और 2 पर रहें, दो मौके मिलेंगे। अगर नंबर 1-2 पोजीशन पर अगर आप एक मैच हार भी जाएंगे तो एक और मौका मिलेगा ना आपको खेलने का। तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है या ये चेक करने की ज़रूरत है। ये सब नीचे जो अमीर टीमें जो गरीब बनी है ना साल, उनके लिए हैं कि अब वो क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो उनको एक्सपेरिमेंट करना है कि अच्छा जो बाहर बैठे उनको भी चेक कर लो, वो खेलेंगे नहीं। बट गुजरात को कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी टीम खिलाते चलिए। जो आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज हैं, आउट ऑफ फॉर्म गेंदबाज हैं, उनको आप ज्यादा मौके दीजिए, टफ कंडीशंस में उनको इस्तेमाल कीजिए। इंटरनली टैक्टिक्स चेंज हो सकते हैं, जहां पर गेंदबाजों को इस्तेमाल, बिल्कुल वो हो सकती है कि जिसने गेंदबाजी स्लॉग में नहीं की उसको स्लॉग में करा के देखे लास्ट के डेथ ओवरों में, क्या पता वो अच्छी कर दें। तो जब कभी जरूरत पड़े तो उनको भी स्लॉग में गेंदबाजी कराई जा सकती है, या जो बैट्समैन ऐसी सिचुएशन में बैटिंग ही नहीं की अभी तक जहाँ 10 रन 12 रन की जरूरत है, तो उनको उस समय करा ले, या तेवतिया को ऊपर बैटिंग करा के देख ले कि उनको भी थोड़ी बॉलें मिल जाए खेलने को, मिलर को ऊपर बैटिंग करा के देख। तो ये सब एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, नॉट कि अपनी प्लेइंग 11 में, उनकी प्लेइंग में वो सेट है, उसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं। हार्दिक पांड्या, एक मच्योर कप्तान की एक रेपुटेशन उनकी बन रही है, वो कह रहे हैं कि भाई किस्मत ने हमारा साथ जरूर दिया है, और हो सकता है कि किस्मत हमारा साथ छोड़ दे जब बिजनेस एंड हो, प्लेऑफ हो। तो ये जो अगर कप्तान के मन में चल रहा है, तो क्या खिलाड़ी भी सोच रहे होंगे कि वी बीन लकी, हालांकि टीम ने खुद को उस पोजिशन में लाया है जहां पर किस्मत उनका साथ दे, क्या प्लेयर्स के मन में चल रहा होता है यार हम लकी रहे हैं थोड़े से? थोड़ा बहुत तो सोच सकते हैं, आपको एक खुशी देती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल लक था, क्योंकि जो प्लेयर ने रन बनाया वो बना सकते थे। ऐसा नहीं कि जो प्लेयर बैटिंग करने गए, ऐसा नहीं था कि लास्ट के बल्लेबाज हैं जिन्होंने 2 बॉल में 2 छक्के मार दिए। हम जानते हैं राहुल तेवतिया जो हैं वो काबिलियत रखते हैं रन बनाने की, राशिद खान जो रन बनाए थे वो काबिलियत रखते हैं, मिलर जो हैं वो अच्छे बल्लेबाज हैं। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी टीम की निशानी है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ लक के ऊपर वो जीत गए। तो ये उनकी मॉडेस्टी है, और एज अ कप्तान वो ये भी सोच रहे हैं कि शायद हम और बेहतर कर सकते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं मानता बिल्कुल ये लक है। बैंगलोर के फैन सोच रहे हैं लक वो क्या होता है, उनको पता ही नहीं लक होता क्या है।
और ऐसा है कि हर आरसीबी वाले मैच में हम विराट कोहली पर लंबी चौड़ी डिस्कशन करते हैं, वही सवाल हर बार कि विराट कोहली के साथ क्या हो रहा है, जितनी बातें करते हैं रन उतने बनते नहीं, तो आज सोचे बात ही ना करें उनकी। ठीक है, तो अगला नाम, अगला नाम भाई स्क्वाड दिखाया जाए, स्क्वाड पेश किया जाए वैरूपा के लिए। फाफ डुप्लेसी है नंबर दो पर, जो नाम है उसका हम जिक्र भी नहीं करेंगे। दिनेश कार्तिक, रजत पाटीदार, सुरेश प्रभुदेसाई, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, टीम की परेशानियां भी बहुत सारी हैं। बट मेरे फेवरेट भी हैं उधर एक, शाहबाज अहमद नहीं, हर्षल पटेल नहीं, ग्लेन मैक्सवेल, ये प्रोड्यूसर का काम है आपके, नहीं नहीं सर आपके कान में प्रोड्यूसर ने बताया, नहीं सर कसम से, अच्छा ग्लेन मैक्स मतलब तीन चांस तो मिलने चाहिए। हाँ ठीक है, देखिए ऐसा है कि कौन बनेगा करोड़पति में, चार ऑप्शन होती है यहाँ पे, फोन अ फ्रेंड वाला कुछ हुआ नहीं था, नहीं बट एक्चुअली आप विराट कोहली की बात करते, मैक्सवेल ने भी ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया इस साल, पिछले साल जरूर बंपर फटा था, बोनस मिला था मैक्सवेल की तरफ से, लेकिन इस बार कोई ऐसा स्टार्ट जरूर मिल रहा है, 15-20 रन बना रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई खास इम्पैक्ट नहीं किया अभी तक उन्होंने। अब उनका समय आ गया है कि उनको इम्पैक्टफुल इनिंग खेलनी पड़ेगी, अगर बैंगलोर को वो लक की बात करते हैं तो वो मैक्सवेल को चलना पड़ेगा और उनको तभी शायद वो प्लेऑफ तक जा सकते हैं, वरना फोकस फोकस हम सबका ज्यादातर उस खिलाड़ी पर है जिनका नाम बी से शुरू होता है, ऐसा लगता है कि उनके फेलियर्स की वजह से बाकी खिलाड़ियों पर फोकस कम हो रहा है, इसलिए मैक्सवेल का चर्चा कम हुआ है, लेकिन जिम्मेदारी तो उनकी भी है, अगर फैफ नहीं चलते नंबर दो पर, नहीं चलते बाकी यंग प्लेयर्स, तो इनको रन बनाने पड़ेंगे। हमेशा जिम्मेदारी जो होती है ना वो सीनियर प्लेयर ज़्यादा लेते हैं, इसीलिए तो उनको टीम में रखा जाता है, वो स्तंभ होते हैं। तो विराट कोहली बिल्कुल चर्चे में है, लेकिन सिर्फ अकेले आप तो हर मैच जिता नहीं सकते, चैंपियनशिप आप अकेले आदमी से नहीं जीतते, पूरी टीम करनी पड़ती है, जिनके सामने खेल रहे उनको ही देख लीजिए, गुजरात टाइटन्स। बिल्कुल, तो इसीलिए तो ग्लेन मैक्सवेल जो अभी हनीमून पीरियड में है, उनको थोड़ा बाहर आना पड़ेगा और थोड़ा गेम दिखाना पड़ेगा, जिस तरीके से वो पिछले साल उन्होंने रन बनाया था, उनके स्टार्ट जब मिल रही है तो आप कह नहीं सकते कि आउट ऑफ फॉर्म है, तो वो फिर आगे लेके जाना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब एक प्लेयर का फॉर्म ख़राब चल रहा है, इतने बड़े प्लेयर का जो इतने सालों से परफॉर्म कर रहे हैं, कभी कभी उन्हें भी थोड़ा सा कुशन चाहिए होता है, तो तब सीनियर प्लेयर जो दूसरे रहते हैं ना वो फिर साथ लेके चलते हैं अपने दिग्गज प्लेयर को, तो यहाँ पे मैक्सवेल का बड़ा रोल आ जाता है, इंपॉर्टेंट रोल। एक और बहुत ही दिलचस्प मैचअप होगा, 3-1, यश दयाल शमी होंगे और उनके अलावा लॉकी फर्गसन वर्सेस विराट कोहली, ये 3-1 मैचअप देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन बैंगलोर इस समय कहां पर है, 4 मुकाबले हारे हैं, मिडल ऑफ द टेबल है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनका चरमराया हुआ है, अगर आज इस मुकाबले में हारे तो ऐसा लगेगा कि मामला और गड़बड़ा जाता जाएगा, क्योंकि -0.572 उनका नेट रन रेट है, ना सिर्फ जीतना है बल्कि बड़े मार्जिन से जीतना है अगर वो टॉप फोर की कंटेंशन उनको दिखानी है। देखिए मुझे फर्क नहीं पड़ता वो बड़े मार्जिन से जीते हैं छोटे मार्जिन जीते हैं, एंड ऑफ द डे उनको उतने अंक चाहिए होंगे जीतने के लिए, 16-18 उतने तो चाहिए होंगे तभी वो क्वालिफाई करेंगे। अगर वो ये सोचें कि हम लोग अपनी नेट रन रेट को सुधार लें, पता चला नेट रन रेट के चक्कर में मैच ही गंवा दिया, तो मैं कह रहा हूँ वो 2 अंक इंपॉर्टेंट है, वो 2-2 अंक बटोरते चलिए तो आप क्वालिफाई तो कर ही जाएंगे ना, 10 पे हैं तो इसलिए आपको 16 पॉइंट चाहिए, तो मतलब 3 मैच और जीतने मिनिमम, तो 3 मैच कैसे जीतेंगे उस पर ध्यान लगाएं बजाय कि नेट रन रेट। हाँ कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप पहले गेंदबाजी करें, आपने टीम को 120-130 पे आउट कर दिया, उस समय आप सोच सकते हैं कि अब हमारे पास मौका है नेट रन रेट को बढ़िया करने का, तो जल्दी मैच खत्म करने की कोशिश करते हैं। अगर आप पहले ही सोचेंगे कि हम नेट रन रेट पे ध्यान दें तो फिर पता चला कि आप 200 बनाने की जगह 120 पे खुद ऑल आउट हो गए, जैसे अभी कोलैप्स हुआ था, तो दोबारा ना कोलैप्स हो जाए। तो मेरा तो यही मानना है कि आप अपने 2 अंक पे ध्यान दीजिए, भले ही चाहे 1 बॉल रहते हुए खत्म करें, बट वो 2 अंक मिलने जरूरी है।